was there on the first pond. Fishing permit हम लोगों ने ले लिया है और अब हम लोग fishing करने लगे हैं. और बुरे रीज की तलाश है. और बुरे रीज की तलाश है. The mighty brown bear. Let's go. Yes. Long trekking to find the bear, but couldn't find luck yet. But we are trying our best to find the bear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main hoon Sayyid Kamran Mustafa. Aaj ka vlog hamara day 4 ka vlog hai. अस्तोर हम लोग कल रात पहुंच चुके थे और यहाँ पे होटल में हमने स्टे किया हुआ है. इस वक्त सुबह के 7 बज चुके हैं और आज का प्लान बस हम अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ अस्तोर से देवसाई जाने का प्लान है. दरमियान में डिफरेंट स्पॉट्स आएंगे, वो हम इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, तो वो आपको साथ साथ अपडेट करेंगे. अस्तोर तक जो पहुँचने का रास्ता था वो कल आपने देखा होगा, थोड़ा उसमें रफ पैचेस भी थे. गाड़ी को हम अवॉइड कर रहे हैं देवसाई लेके जाने के लिए और हमने ये प्राडो बुक करवाई, तो इस प्राडो में फिर हम अभी देवसाई की तरफ निकल जाएंगे. से इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं और हमारा अभी पहला स्टॉप जो है वो चिलम पे होगा, वहाँ थोड़ी देर हम स्टे करेंगे. इस इलाके में एक बात जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि स्कूल टाइमिंग में तकरीबन हर बच्चे को हमने स्कूल जाते हुए देखा है. स्कूल टाइमिंग में हमें कोई बच्चा बाहर सड़क पे वैसे ही नज़र नहीं आया, सब बच्चे स्कूल जा रहे थे. Thank you.
इस इलाके का नाम गुदाई है और यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी और यहाँ से ज़रूरत का सामान भी लिया जा सकता है। इलाकों में आपको मुख्तलिफ जगह इस तरह के रेस्टोरेंट और कैंप नजर आएंगे जो कि ट्रैवलर्स को फैसिलिटी के लिए बनाए गए हैं। पहाड़ों से बर्फ़ का पानी नालों की सूरत में और मुख्तलिफ नदियाँ आबशारें इस अस्टोर रिवर में आकर मिल जाती हैं। रास्ते में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, अभी चिलम चौकी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा स्पॉट हमें नज़र आया था, हमने उसको ब्रेक लिया। थोड़ी देर के लिए रुके हैं, व्यू को एंजॉय कर रहे हैं।
یہ انٹرنس ہے چلم کے علاقے کی. اس وقت ہم لوگ چلم چوک کی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں دیوسائی نیشنل پارک کے لیے انٹرنس کروانی پڑتی ہے. ان علاقوں میں آپ کو شہد کی فارمنگ بہت زیادہ نظر آئے گی. اس طرح سے یہ لوگ فارمنگ کرتے ہیں شہد کی. یہاں پر ہمیں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ لوگ جاپانیز کار جن کی گراؤنڈ کلیئرنس میں بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور اپلائیڈ فور گاڑیاں لے کر ان علاقوں میں سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں.